कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, फार्मेसी में जाना चाहते हैं, जहां भी आपको जाना है, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हार्ड स्किल तो कॉलेज आपको देता है, यूनिवर्सिटी देती है, इंस्टीट्यूट देता है, सब हार्ड स्किल आपको देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हार्ड स्किल मेयर 30-40% आपके सक्सेस पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो आप डिग्रीज लेते हैं वो 30-40% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो देता है ध्यान रखिएगा वो आपका देता है सॉफ्ट स्किल। और आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्ट स्किल का रेशियो समय के साथ बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब ये ड्रास्टिक चेंज हम देख रहे हैं कि आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है अबाउट द प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट सेल में जो यूनिवर्सिटी रहती है, जो कॉलेजेस प्लेसमेंट सेल में रहते हैं, तो प्लेसमेंट सेल के जो मैनेजर्स रहते हैं, जो प्लेसमेंट सेल के प्रोफेसर रहते हैं, वो ये कहते हैं कि बस 70% जो सॉफ्ट स्किल का आजकल डिमांड है ज्यादा हो चुका है, यानी आपके सॉफ्ट स्किल इतने परफेक्ट होने चाहिए कि आपकी डिग्री जो है वो सही सैलरी आपको दे सके। पहले क्या होता था, डिग्री सैलरी देती थी, आज आपको सैलरी देती है सॉफ्ट स्किल। तो अगर आपने इतनी महंगा पढ़ाई किया, अगर आपने हायर एजुकेशन लिया, परसेंटेज अच्छे बनाए, आपने काफी समय अपने पढ़ाई को दिया, उसके बाद अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि आपने कहां दिक्कत कर ली, आपने भी सॉफ्ट स्किल पे काम ही नहीं किया, और हार्ड स्किल में जबरदस्त से काम कर लिया लेकिन सॉफ्ट स्किल आपका नहीं। जैसे आप में से कई लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते, कई लोग जो आज भी जो है वो अपनी बात रखने में बहुत हिचकिचाते हैं, आप में से कई लोग हैं जो प्रॉपर रिज्यूम नहीं बना पा रहे, कई लोग जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पुअर है, कई लोग की जो शक्ल है बड़ी पुअर टाइप की शक्ल बना के रखते हैं, कई लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत पुअर है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जब एचआर के सामने आती है, तो एचआर सिर्फ डिग्री में 8.0 की डिग्री देखकर, 8.0 देखकर कैसे कहेगा कि आपको मैं जॉब दूंगा। एचआर की भी अप्रोच, एचआर अगर आपकी पूरी फिजिक आपकी बर्बाद है और सिर्फ डिग्री आपकी अच्छी है, तो उस बेस पे जॉब कैसे देगा, क्योंकि उसको भी जवाब देना पड़ता है कंपनी के मालिक को। और सब चाहते हैं कि मुझे कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय मिले जिससे कंपनी में मुझे ग्रोथ मिले, पैसा मिले, और आने वाले समय में मुझे मेरी कंपनी और ऊंचाई तक जाए। तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉय तो चाहिए, एम्प्लॉय तभी मुझे अच्छे मिलेंगे जब आपके अंदर की फीचर्स हो, सॉफ्ट स्किल अच्छे हो। तो कृपया करके आप क्या करें, अपने सॉफ्ट स्किल पर काम करें। मेयर कितने सॉफ्ट स्किल आपको बनने चाहिए ये मैं आपको कुछ बता भी दे रहा हूँ, तो 2-4 सॉफ्ट स्किल आप लिख लें, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले कम्युनिकेशन, फर्स्ट सॉफ्ट स्किल आपको ध्यान रखना है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा आप कर ले। दूसरा है ड्रेसिंग सेंस आप अच्छा कर ले, सेकंड लाइन लिखिएगा ड्रेसिंग सेंस। थर्ड आपका है थॉट प्रोसेस आप थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, आपका अगर थॉट प्रोसेस अगर अच्छा नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, आप थॉट प्रोसेस को क्या कर ले, अच्छा कर लीजिए।